नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। राजधानी दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में यादव समाज के द्वारा भव्य तरीके से मनाया गया गोवर्धन पूजा, और इस गोवर्धन पूजा में अलग अलग इलाके से लोग उपस्थित रहे। सुल्तानपुरी एसीपी साहब ने कहा कि गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर धारण कर गोकुलवासियों की सुरक्षा की, इंद्रदेव के प्रकोप से, जिसके बाद गोकुलवासियों ने भव्य तरीके से गोवर्धन पूजा की। आज पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व गोवर्धन पूजा मनाता है। गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है, क्या है इसका महत्व, आपको बताते हैं। गोवर्धन की पूजा भगवान श्री कृष्ण का इंद्र पर विजय का प्रतीक माना जाता है। मथुरा और वृंदावन में यह पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि द्वापर युग में इंद्रदेव गोकुलवासियों पर क्रोधित होकर मूसलाधार वर्षा करने लगे, तब भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुलवासियों की रक्षा की। तभी से हर वर्ष गोवर्धन पूजा में भगवान को अन्नकूट का भोग चढ़ाया जाता है, जो श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। सर, यादव महासभा का एक भव्य कार्यक्रम हुआ गोवर्धन पूजा के अवसर, कैसा रहा, इस बारे में थोड़ा बताइए। मुझे बहुत खुशी है कि यादव समाज द्वारा हर वर्ष किए जाने वाले इस गोवर्धन पूजा के अवसर पर जो कार्यक्रम रखा गया, बहुत सुंदर कार्यक्रम है। इसमें सभी समाज के साथी जहां सहभागिता करते हैं, वहीं विभिन्न पार्टियों से भी लोग यहाँ पर आकर गोवर्धन पूजा के इस अवसर पर सब एक दूसरे को शुभकामनाएं देने का काम करते हैं। निश्चित ही ऊपर वाला इन सबकी मनोकामना को पूरा करेगा। विशेष रूप से किराड़ी की जो समस्याएं हैं, मैं ऊपर वाले से मैं ये भी कामना करूंगा कि किराड़ी की समस्याओं से निजात मिले, एक मजबूत और क्षेत्र का विकास जिस तरीके से हो सकता है वो सबके सहयोग से निश्चित ही होगा। तो मैं जहाँ पूरी कमेटी को शुभकामनाएं देता हूं, वहीं सभी आवाम को भी कहूंगा कि ऊपर वाले का आशीर्वाद सबके ऊपर बना। वैसे तो धार्मिक उत्सव है, लेकिन एक क्वेश्चन और, 8-9 महीने की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे महीना 8 तारीख से शुरू होने के पश्चात अगले 4 दिसंबर तक हम रोड पर रहेंगे। जो क्षेत्रीय समस्या है उनको उभारने का काम करेंगे, मजबूती के साथ कांग्रेस की जो भावना है वो व्यक्त करने का काम करेंगे, और लोगों से अपील करेंगे कि आने वाले समय में कांग्रेस को मजबूत करें, ताकि जो पुरानी कांग्रेस वाली दिल्ली थी, क्योंकि आज दिल्ली, पुरानी दिल्ली को याद लोग याद करते हैं, शीला दीक्षित जी को याद करते हैं, 15 साल का जो एक बढ़िया शासन था लोग उसको याद कर रहे हैं। उस पुरानी कांग्रेस वाली दिल्ली उन्हें स्थापित करने के लिए फरवरी में सोच समझ कर वो लोग फैसला लें और कांग्रेस को मजबूत करें। सर, क्या कहेंगे आज के यादव समाज ने तरीके से गोवर्धन पूजा का आयोजन किया है, इस अवसर पर आप भी आए हैं, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? कि जो गोवर्धन पूजा है ये हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़े उत्सव के साथ मनाई जाती है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, मैं तो कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान का एक पर्व है। इसमें खास करके आज यादव समाज की तरफ से किराड़ी में ये प्रोग्राम हुआ, बहुत ही भव्य प्रोग्राम था और सबका मान सम्मान हुआ, और मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ यादव समाज को और पूरे किराड़ी निवासियों को। सर, नाम बताइए। मेरा नाम राममोहन सिंह यादव है, मैं आदर्श यादव समाज संगठन का संरक्षक हूँ। देखिए, आज हम लोग का यादव समाज का गोवर्धन पूजा है, और इस पर्व में हम लोग आगे से मनाते आ रहे हैं, पीढ़ियाँ मनाते जा रही है, आगे बच्चे भी मनाएंगे। और इंद्र भगवान जब बालों पे इतने बारिश किए कि जब वो गौशाला प्रसन्न हुए, तो कृष्ण भगवान ने अपने अंगुलियों पे पर्वत को उठा करके उन ग्वालों का रक्षा करने का काम किया। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।